सिरोंज में युद्ध स्तर पर चल रही अतिक्रमण मुहिम, वर्षों से सरकारी जगह पर किए हुए थे अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाते ही डाला गया रोड, अतिक्रमणकारियों को सीडीए जा रहे हैं नोटिस। नहीं, ये शासन के नियम है, जो अतिक्रमण था वो सभी दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने 8 दिन ऐलान किया और सभी लोगों ने हटा लिया अतिक्रमण। अतिक्रमण से जनता को दिक्कत होती थी, लगे जो टीन सेट अतिक्रमण थे सभी दुकानदारों ने हटा लिया। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इस अतिक्रमण मुहिम को? बस यो गरीब कुछ तकलीफ इस बात की हुई कि जो लोहे पीटा बेचारे जो बैठे थे, हालांकि वो अतिक्रमण में थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शासन उनका थोड़ा भी स्थापन करके उन गरीबों को जगह दे। आज उनके यहाँ खाना भी नहीं बना, और कुछ समाज से भी मदद करें उन लोगों की जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा रोड पे बैठे हुए हैं, आज उनका खाना नहीं बना। अभी मैं उनको कुछ स्वल्पाहार के लिए फल फ्रूट दे के आया हूँ, बस मुझे उसकी ज़्यादा तकलीफ़ है। बाकी जनता को अतिक्रमण से कुछ आसानी भी हुई है, जो अतिक्रमण बहुत अधिक था, लोग परेशान थे, उससे निजात मिली है। शासन की योजना जहाँ तक है, जो नीतिगत अतिक्रमण शासन ने हटाया है वो ठीक हटाया। कहीं धूप कहीं छांव, इस तरह का ये अतिक्रमण मुहिम यहाँ पर चल रही है। किसी को इसमें तकलीफ भी और किसी को यहाँ पर सुविधाएँ भी हो रही हैं। आप बताइए, आप इस अतिक्रमण मुहिम को किस नज़रिए से देखते हैं? अतिक्रमण जो प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है वो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब इन सब चीज़ों में आवागमन में दिक्कत हो रही थी, और इसी कारण से शायद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। लेकिन इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन बेरोजगार की स्थिति में जब आ जाएंगे तो उनके लिए भी प्रशासन को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे ही तो बेरोजगारी इतनी है, और अब ये स्थिति है कि आदमी खुद अपना कमा रहा है तो वो पेट कैसा भरेगा, सबसे बड़ा विषय तो ये है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से कि जब भी ऐसे नगर पालिका बस स्टैंड पर भी उनने अतिक्रमण सभी लोगों ने हटाया, प्रशासन के लोगों ने, नगर पालिका ने और सब ने मिल के, तो वहाँ पे भी सब रोजी रोटी कमा के खाने वाले ही लोग थे। तो उसमें मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि कभी उन लोगों का ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है तो उनको प्राथमिकता दी जाए तो उनसे वो कम से कम अपने आने वाले समय को अच्छा देख पाएंगे। अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना पहला जिम्मेदारी वाला विषय है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी भी चिंता की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अतिक्रमण प्रभारी संजीव यादव, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। श्रीमान माननीय SDM महोदय के निर्देशन में, CMO साहब के आदेश अनुसार, ये जो टर्न था, टर्न पे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, और काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा रहती थी इस मोड़ पर। तो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, जिसमें दोपहर में सीमांकन कराया गया। आज सिरोंज इतिहास में पहली बार युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने के पश्चात तत्काल ही निर्माण कार्य की कार्रवाई की जा रही है। माननीय, मैं देख रहा हूँ पीछे की CC रोड डलने की तैयारी भी हो गई है जी। तो कुल मिलाकर अतिक्रमण हटा और यहाँ पर CC रोड डला। क्या होता है कि अतिक्रमण हटाने के बाद हम अतिक्रमण हटा करके चले जाते हैं, परंतु अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा पुनः दोबारा वहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा इस मुहिम में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाया है, लेकिन वहाँ से दोबारा अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा दोबारा अतिक्रमण करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखी है, सीधा निर्माण कार्य शुरू। क्या वजह है कि अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर लेते हैं लेकिन प्रशासन 10 साल तक सोया रहता है, और फिर 10 साल बाद वो जागता है तो पब्लिक को भी परेशानी होती है हटने में, क्योंकि उनका रोजगार जम जाता है, उनकी घर बन जाते हैं, कच्चे से वो पक्का बना लेते हैं। तो क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है इन चीज़ों में? होता है, जैसे कहीं कोई रोड पर अतिक्रमण कर लेता है,
किसी का पूर्व से रोड पर चले आ रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं कि ये उनकी भूमि हो गई है, पैतृक भूमि। तो अर्थ यही है कि भाई आज नहीं उनको कल हटना है, यातायात व्यवस्था को लेकर के, शहर की सुंदरता को लेकर के, ये सब चीज़ों को कोऑपरेट करना होगा। अतिक्रमणकारी आज अतिक्रमण करता है तो नगर पालिका को उसी समय संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। और आगे से जो टीम बनी है, माननीय SDM साहब ने जो हमारी टीम बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि आगे से ये अतिक्रमण हटाने के बाद, अभी की मुहिम के बाद, आगे से किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नगर के अंदर न किया जाए। सिरोंज नगर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का जो सपना माननीय विधायक महोदय जी ने देखा है, उसको साकार करने के लिए SDM साहब तत्पर। कुछ स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। आप बताइए, अभी जो अतिक्रमण की मुहिम चल रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी मुहिम है ये। इससे क्या है, शहर का सौंदर्यीकरण ही बढ़ेगा। अभी क्या है, जगह जगह जाम लग जाते हैं, छोटी जगह है, बसों को टर्न लेने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इससे क्या है, बसों के लिए बड़े बड़े वाहन जो आते हैं, वाहनों की आवाजाही सही हो जाएगी, और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, इस चौराहे पे भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। जगह कम रहती है, वाहन बड़े बड़े आते हैं तो वो जगह भी नहीं होती। क्या है, बड़े बड़े पूरी जगह मिलने से शहर का सौंदर्यीकरण ही बढ़ जाएगा। क्या इस तरह की मुहिम कंटिन्यू जारी रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। और ये मुहिम मैंने सुना है शायद प्रदेश चल रही है पूरे स्तर पे, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है ये, और ऐसा होना चाहिए। इससे क्या है, पूरे शहर में स्वच्छता भी बनी रहेगी और साफ़ सफाई भी रहेगी, और बाहर के लोग आएंगे देखेंगे कि नहीं यार, सिरोंज भी कुछ है। CMO तो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन अब आपको हम ऐसे CMO से मिलाने जा रहे हैं जो सिरोंज की रूपरेखा ही बदलने जा रहा है। हम मिलाने जा रहे हैं आपको सिरोंज के CMO राम प्रकाश साहू से। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। राम प्रकाश जी, स्वागत है आपका खबर समय जगत में। युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है, तो कैसा आपको फील हो रहा है और किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बिल्कुल, कोई भी परेशानियों का सामना हमें बिल्कुल नहीं करना पड़ा। यहाँ पे हमारा कायाकल्प योजना अंतर्गत माननीय विधायक जी के विशेष प्रयासों से कायाकल्प योजना में हमारा ये लिंक रोड आया है। इसको दोनों तरफ हमें 15-15 फीट बढ़ाना था। जहाँ जहाँ अतिक्रमण था वो सब लगभग हट गया है। ये आखिरी कोना था इस रोड का, एक तरफ जहाँ मुक्तिधाम था, दूसरी तरफ कब्रिस्तान था, जहाँ हिंदू और मुस्लिम कोई बात ही नहीं थी। सभी ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया है, और कायाकल्प जैसा कि नाम है योजना का, माननीय विधायक जी की मेहनत से जो योजना यहाँ पे आई है, उसके अंतर्गत ये कायाकल्प का काम चल रहा है। हमारा ये बहुत व्यस्तम चौराया है, आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। उस ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी जब ये चौराया पूरा बड़ा हो जाएगा चारों तरफ। बिल्कुल, और आगे भी इसके सौंदर्यीकरण की माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय ने बहुत निर्देश दिए हैं कि बड़े हाई मास्ट लगाए जाएँ, जहाँ पर रोटरी बनाई जाए और लोगों को आवागमन में सुविधा हो। और एक्चुअल में आज जितना भी काम यहाँ पे आप देख रहे हैं, माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय का भी इसमें बहुत सहयोग है, पूरे प्रशासन का दिन भर से बहुत सहयोग है, जिसके बलबूते पे इतना काम यहाँ पे चल रहा है। जैसा अभी ये हमारे आप जी हमारे साथ में हैं, अभी कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य हैं, इनसे हमने कहा एक बार ये फौरन तैयार हो गए शहर के, शहर के विकास के लिए ये काम हो रहा है, तो जितनी भी जगह कब्रिस्तान से चाहिए वो उतनी जगह नपती करके आप ले लें। और बहुत सहयोग इनका हमारे साथ रहा। बात मैं आपसे कुछ और जानकारी चाहूँगा, युद्ध स्तर पे ये काम हो रहा है, यहाँ पर अतिक्रमण हटाए और यहाँ पर रोड डलने का काम भी चालू हो गया है, तो ये किस तरह की क्या प्लानिंग है, कैसा क्या हो रहा है? ये एक्चुअली कायाकल्प का काम चल ही रहा था, अंतिम चरण का ये काम चल रहा है जिसमें चौराहे को चौड़ा करना था। और चूंकि ये काम ऐसा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इसलिए इस काम को युद्ध स्तर पे करना पड़ रहा है कि आज ही इसका CC कंप्लीट कर दें, ताकि कल से लोगों को ये समस्या का सामना ना करना पड़े। सिरोंज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अतिक्रमण मुहिम इतने लंबे समय तक चली है, और अतिक्रमण हटते से ही उसमें निर्माण कार्य भी उसको सुचारू रूप से कंप्लीट कर दिया गया जी। ये तो प्रशासन ने बहुत विधिवत प्लानिंग करके अतिक्रमण मुहिम चालू की है, अतिक्रमण हटाने की। शासकीय भूमि पे जो लोग अतिक्रमण करके दुकानदारी कर रहे हैं, मकान बना लिए हैं, जिससे ट्रैफिक और आवागमन में असुविधा हो रही है लोगों को, उस अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चल रही है ये।
किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। माननीय SDM महोदय ने भी बार बार निर्देश दिए हैं कि जो लोग ठेले पे कारोबार कर रहे हैं वो उनको कारोबार करने दें, डिस्टर्ब नहीं करें बिल्कुल भी। और जिन्होंने स्थायी गुमटियाँ बना ली थी, पक्का अतिक्रमण शासकीय भूमि पर कर लिया था, हमने सिर्फ उसको हटाया है जहाँ आवागमन प्रभावित हो रहा था। सभी रोड छोटे होते जा रहे थे, दिन ब दिन गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो रही थी, तो सरकारी भूमि को मुक्त कराया है। और ये अतिक्रमण लगातार 3 महीने चलेगा अभी। अच्छा, वो 3 महीने के बाद ये हर 15 दिन में एक दिन मुहिम लगातार चलेगी। अतिक्रमणकारी जब अतिक्रमण करता है उसी समय उसको रोक दिया जाए और उसका अतिक्रमण करने ना दिया जाए तो इस तरह की नौबत देखने को नहीं मिलेगी, तो उस पर आपका क्या विचार है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपको बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारे शहर की जनता को और सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि शासकीय भूमि पर आप कोई भी अतिक्रमण ना करें। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जग चुका है। अगर आप कहीं भी अतिक्रमण करेंगे, अब डेली एक टीम बना दी गई है, रोज अतिक्रमण देख रही है वो, अगर कहीं पे भी अतिक्रमण होगा तो उसको हटाने हमारा प्रशासन फौरन पहुंचेगा। नगर पालिका इसमें एक नई मुहिम चला रही है, हमारी जो कचरा गाड़ी चलती हैं हम उन सब कचरा गाड़ी पे कैमरा लगा रहे हैं। अब जो भी नया अतिक्रमण होगा वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको हम चेक कर लेंगे ऑफिस में बैठ के, और अतिक्रमण भी हटेगा और चालान की कार्रवाई भी होगी। तो कुल मिलाकर कैमरे से चालान की कार्रवाई होगी, अब व्यक्तिगत व्यक्ति कोई नहीं जाएगा। जी जी, भाई प्रशासनिक अमला इतना बड़ा नहीं है कि रोज अतिक्रमण पे ही लगा रहे, बाकी काम प्रभावित हो जाते हैं। अब डिजिटल युग है, सब काम डिजिटल चल रहा है। हम लोग कहीं बाहर शहरों में जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में, और ओवर स्पीड में भी होते हैं तो गाड़ी का चालान हमारे घर पहुंच जाता है, तो उसी का एक छोटा स्वरूप हम कर रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे, जो यहाँ पर पीछे कुछ गरीब लोग अपना निवास बनाकर रह रहे थे, तो उनको कहीं शिफ्ट किया गया है, क्या उनकी कहीं व्यवस्था की गई है? उनके घर टोटल खाली पड़े हुए थे, उन्होंने बहुत लंबी जगह पे अतिक्रमण किया हुआ था, लगभग 6 मकान उन्होंने बना लिए थे, और उनके जितने भी परिवार के लोग थे वो सब तमिलनाडु गए हैं अपना काम करने। ये चलते फिरते ही काम करते हैं ये लोग, और सरोंज में ये रोड पे अधिकतर यहीं पे घर बना लेते थे आके वो। और कब्रिस्तान कमेटी भी बार बार इसकी लिखित में शिकायत की थी उन्होंने कि लेटरिन बाथरूम वो सभी तरह का उपयोग कब्रिस्तान का होता है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हमने उनके घर का सामान पूरा, हमारा शासकीय भवन है उसमें रखवा दिया है, वो जब भी आएंगे तो उनका सामान उनको सम्मान के साथ लौटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आज अतिक्रमण मुहिम यहाँ पर आई है और यहाँ पर जो कब्रिस्तान की जगह थी जिसके आगे अतिक्रमण था वो उन्होंने हटाया है, तो किस प्रकार का अतिक्रमण था और क्या कब्रिस्तान में भी अतिक्रमण हो गया था जिसको हटाया गया है, और कैसा आपको लग रहा है अतिक्रमण हटने के बाद? प्रशासन की ये जो मुहिम अतिक्रमण हटाओ चल रही है, इससे बड़ा अच्छा लगा, जिससे कि शहर की खूबसूरती बढ़ती है। ये हमारे गद्दी समाज का कदीमी कब्रिस्तान है, और हमारे कब्रिस्तान के आगे अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया, साथ में उन्होंने हमसे भी कुछ जगह के लिए निवेदन किया, तो हमने उनका भरपूर सहयोग किया और हमने अपनी जगह भी प्रशासन को दी है, और जब भी हमसे प्रशासन या कोई भी सहयोग मांगता है तो हम उसको पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। बस हमारा उनसे इतना निवेदन है कि जो अभी जैसा कि जो अतिक्रमण था वो भविष्य में कोई यहाँ अतिक्रमण ना हो, और जो गंदगी भी होती थी वो गंदगी ना हो, और सिरोंज की जनता से भी हम ये निवेदन करेंगे कि अपने शहर को सज बनाने के लिए प्रशासन का जो है वो सहयोग करना चाहिए। अतिक्रमण जो मुहिम चल रही है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई समय के हिसाब से आबादी बढ़ रही है, और आबादी के हिसाब से उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के हिसाब से उनने पुराने रिकॉर्ड जो कुछ भी है वो निकाल लिए, उसमें उनका हिसाब बनता है। इसके पहले जो है अपन अतिक्रमण था उसका लाभ उठा रहे थे, अब अतिक्रमण के हिसाब से जनता बढ़ रही है तो उस हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, इसमें उसमें कोई वो नहीं है, उनके पास है तो कागजी कार्रवाई गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक सकता। तो ये चाह रहा है कि मतलब प्रशासन ऐसा काम होने ही ना दे दोबारा, तुरंत जो कार्यवाही हो रही है, तुरंत दुकानें बन रही हैं, एक नंबर काम हो रहा है, पूरा प्रशासन लगा और सबसे अच्छा काम हो रहा है, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो प्रशासन का जो ये काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, क्या आपने इस तरह का काम पहले कभी देखा है? नहीं, पहले नहीं देखा जी, अभी हो रहा है, ऐसा एक नंबर हो रहा है जो भी हो। इस अतिक्रमण मुहिम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई अतिक्रमण जब भी हो प्रशासन को उसी टाइम संगीन कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण उसी टाइम हट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बाद में दिक्कतें आती हैं, लोग अपना धंधा भी जमा लेते हैं वहाँ से जो हटते हैं तो उन्हें भी दिक्कत आती है, इसी तरह से उसी टाइम हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इससे अतिक्रमण हटता है तो हमारे शहर को सुंदर लगेगा, इससे
और अच्छा चल रहा है ये, और भी हो जाए अतिक्रमण, वहाँ भी सफाई होना चाहिए इसकी। कुल मिलाकर प्रशासन का सराहनीय कदम माना जा रहा है, सभी जो सरोंज की जनता है उसको सराहनीय कदम मान रही है, और सभी के विचार यही हैं कि सरोंज में जितना भी अतिक्रमण है वो हट जाए और हटने के बाद शहर सुंदर व स्वच्छ देखे और नज़र आए। पहली बार ऐसा मौका लगा है जब युद्ध स्तर पर अतिक्रमण का हटाने का कार्य किया जा रहा है। इतने लंबे समय अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अब्दुल कबीर के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.